बेटी मैत्रेयी पुष्पा सन 1944 सी। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने भारतीय परिवार में बेटा और बेटी के अंतर को स्पष्ट किया है। हमारे परिवारों में माता पिता द्वारा ही बेटी के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जाता है। समाज में यह धारणा कहीं ना कहीं आज भी है कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा है और बेटी पराया धन। एक और साधारण बुद्धि के बेटों को उधार लेकर भी पढ़ाया जाता तथा दूसरी तरफ तीव्र बुद्धि लड़की को केवल घर के काम तक ही सीमित रखा जाता है। परिवार में माता पिता के भावपूर्ण इसी व्यवहार को इस कहानी में स्पष्ट किया गया है। साधारण बुद्धि के 5 बेटों को तो पढ़ाया जाता है, परंतु एजुकेशन की तीव्र इच्छा रखने वाली कुशाग्र बुद्धि बेटी को यह कहकर रोक दिया जाता है कि तुम तो पराए घर की हो और बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा है। वसुधा और मुन्नी दोनों सखियों की जीवनचर्या में अंतर। वसुधा रोज सुबह स्कूल समय पर दौड़ दौड़ कर पहुँचती, दिन भर पढ़ती और शाम को घर वापस आती। रास्ते में वह देखती कि उसकी सखी मुन्नी अपने पिता के साथ खेत में बुआई करती है, कभी उपले थापती है, रहर चलाती है और शाम जब चाहे घर आ जाती है, बस खेलती है। वसुधा को मुन्नी की जीवनचर्या आजादी वाली लगती और अपनी बंधन वाली शाम को मुन्नी उसकी किताबों को जिस तरह ललचाई आंखों से देखती और रखती, वो उसकी आंखों की ललक उसे आज भी याद है। माता पिता का पक्षपात पूर्ण व्यवहार। मुन्नी अक्सर माँ से कहती, 5-5 लड़कों को पढ़ा रही हो और मेरे लिए किताब कापी के पैसे नहीं है, यह आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। माँ हमेशा उसे डांट कर चुप करा देती। बेटे तो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हमें सहारा देंगे, तू उनकी बराबरी करती है, तू पराए घर का दलिद्र। उसके आगे मुन्नी कुछ न कह पाती। कुशाग्र माइंड मुन्नी लेखिका कहती हैं कि पढ़ाई को छोड़कर मुन्नी उन सारी कलाओं में पारंगत बन गई जिस का उसको सीखने का अवसर मिला। खाना बनाने से लेकर सिलाई बुनाई कढ़ाई और नृत्य तक सब में वह कुशल थी। अगर उसे पढ़ाया जाता तो वह अति प्रतिभाशाली छात्रा साबित होती। मुन्नी की शादी करके माँ बाप ने मानो अपना यही कर्तव्य निभाया। 5 बेटों की शादी के बाद चाचा चाची की स्थिति। मुन्नी शादी के बाद मायके आती जाती, केवल मायके आने की रस्म निभाने के लिए, और तब माँ बाप पर एक धोती और खाने के कुछ सामान का मानो भार बढ़ जाता। शेष रह गए लड़के, सो वे तो मानो उनके लिए चक थे, जब चाहो भुना लो। समय रहते एक एक करके लड़कों की शादियों हो गई, कोई विशेष पढ़ा लिखा नहीं था। एक लड़का जूनियर इंजीनियर जरूर बन गया था, वह सबसे बड़ा था। दान दहेज के साथ शादी हुई, परंतु कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी अपना सामान समेट कर अलग हो गई, क्योंकि वह गांव में नहीं रह सकती थी। बेटा भी बीबी के समर्थन में खड़ा हो गया था। अगले दिन ही दोनों हल्द्वानी चले गए। सबकी शादियां होती गई और तेवर बदलते गए। केवल दूसरे नंबर का लड़का गांव में दुकान करने लगा था, सो वह साथ रहा, परंतु बहू सास ससुर की चाय चीनी तक का हिसाब रखने लगी, सो चाची ने स्वयं उससे चूल्हा अलग कर लिया। 5 पुत्रों की माँ होने से जो अकड़ कर चलती थी, आज धुंधली आंखों से अपनी रोटी स्वयं बनाती थी। बेटी के रहते चाची ने कभी तवे पर स्वयं रोटी नहीं डाली थी। बेटे बहुओं के बारे में पूछते ही भड़क उठती थी। मुन्नी का माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाना। वसुधा ने सुना मुन्नी आई है, उससे मिलने चली आई। आंसू भरी आंखों से मुन्नी ने कहा, अपनी बेटी को छोड़कर जा रही हूँ, अम्मा की रोटी तो बना देगी पर यहाँ पढ़ेगी कैसे? वसुधा, जैसे तुम यहाँ रहकर पढ़ी थी, यह भी पढ़ लेगी। यह कहकर वह अपनी आंखें पोंछने लगी। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।